लेकिन पैर पे चढ़ा दी बछड़े की, यार हड्डी तक निकल आई थी। से गुड मॉर्निंग स्टिल, गुड मॉर्निंग। ये हमारे कुत्ते की गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई कैसे आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। यार मेरा ना अभी एक दो दिन से व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था, और मैंने अभी आपको पता भी होगा कि जो कल वीडियो डाली है वो पहले भी डाल रखी थी, दोबारा री अपलोड करी है। तो यार वो इम्पोर्टेंट थी इस वजह से डाल दी। बाकी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ जिम में, और आपसे यार एक तरीके से खुशी भी हो रही है और मेरे को गुस्सा भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है, क्योंकि यार चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया। सारी चीज़ें होने के बाद भी ये देखो स्ट्रीट पॉप और वो ऊपर अपना भूरा खड़ा है। भाई सारी चीज़ें होने के बाद भी सब चीज़ में एलिजिबल हूँ, उसके बाद भी यार वो आ गया कॉपीराइट क्लेम। क्लेम नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक है। दूसरी चीज़ यार, काफ़ी बंदों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई ये नीचे देख लो कि भाई आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। मेरे भाई अगर अकाउंट बंद हो गया ना तो नया बना लूँगा, अगर आप पैसे प्यार बने रहेगा ना तो अकाउंट नया बन जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है मेरे को। बाकी फ़िलहाल मैं यार पहुंचने वाला हूँ जिम, क्योंकि घर के बहुत पास है। नई जिम जो है ना अपनी, वो घर के बहुत ज़्यादा पास है। मेरे घर से यार स्टेप बाय स्टेप 100 मीटर दूर है, मात्र 1 मिनट लगता है मेरे को घर से जिम पहुँचने में। तो चलो चलते हैं और थोड़ी सी मेहनत करते हैं, ठीक है। अभी देख लो इसकी कार्डियो किया हमने, मतलब हालत टाइट। अब चलो जल्दी से, अब थोड़ी अंदर एक्सरसाइज करते हैं फिर निकलते हैं। यो फिलहाल जिम हो चुकी है ख़त्म। एक बंदा मिला था भाई, बोल रहा था कि यार मैंने अभी जस्ट नया यूट्यूब चैनल खोला है, कि उसको कैसे जो वो लगता है ना कॉपीराइट, क्योंकि मेरी 2 वीडियो पे कॉपीराइट आ गई। मैंने कहा भाई किसी की वीडियो मत डाल और किसी की ऑडियो मत डाल, कॉपीराइट नहीं लगेगा, अगर डालेगा तो लगेगा। जैसे मेरे लगी थी भाई 2 स्ट्राइक, एक मैंने ABP न्यूज़ की जो वो थी ना लॉरेंस बिश्नोई वाली, क्या था वो, लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू दिया था ना, वो डाल रखी थी। और एक और थी द केरला स्टोरी है ना, उसकी डाल रखी थी। 9 सेकंड की क्लिप डाली थी, छोटी छोटी क्लिप डाली थी दोनों की दोनों, एक 10 सेकंड एक 9 सेकंड, दोनों ने कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दिया। 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई मेरे चैनल पर, तीसरी आती चैनल बंद हो जाएगा भाई मेरा। तो इसी के रिगार्डिंग एक बंदे का मैसेज भी आया था कि भाई आपका चैनल बंद हो जाएगा। मैं कोई बात नहीं भाई, नया बना लेंगे आप अगर सपोर्ट करोगे। दूसरा एक और बंदा है भाई, उसने वो कर रखा था, मतलब कमेंट कर रखा था भाई लव फ्रॉम इंदौर MP। मैं भाई चलो MP तक भी जा रही है, रशिया तक भी पहुंच रही है वीडियो, ये देख लो नीचे कमेंट भी आ रहा होगा आपके पास। तो भाई बस इस चीज़ की खुशी मिल रही है कि भाई बंदे इंदौर तक, MP तक, रशिया तक देख रहे हैं हमारी वीडियो को। बाकी यार ऐसे ही साथ बनाए रखो, और काफ़ी अच्छा लगता है यार, खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा कि भाई हाँ जा रहे हैं कहीं तक तो भाई वीडियो हमारी। बाकी फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, शाम को जब भी मिलेंगे कुछ मज़ेदार करेंगे, ठीक है। भाई यार थकान है ना, इतना तोड़ रखे हैं, मतलब शरीर हमारा जिसकी कोई हद नहीं है। अभी जस्ट सो के उठा हूँ मैं, सो के उठा फिर नहाया, अब तैयार के मन किया एक बार चल स्टेडियम आई घूम के आते, देखते हैं क्या सीन है। और फिलहाल यार मैं जा रहा हूँ स्टेडियम के साइड। दूसरा पता नहीं चल रहा कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, 2-3 दिन से तो है ना गाड़ी के मैंने हाथ लगाए नहीं। सच बताऊँ 2 दिन मैंने गाड़ी के हाथ ही नहीं लगाया, आज लेके जा रहा हूँ 2 दिन बाद गाड़ी को। और फिलहाल एक बार पहले पेट्रोल पंप पे जाऊंगा तेल डलवाने के, तेल ख़त्म हो गया भाई गाड़ी में। यार अकाउंट मैं आगे का तो मैं अभी, मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि भाई तेरा अकाउंट बंद हो जाएगा, तेरा अकाउंट बंद हो जाएगा। यार क्यों कर रहे हो, क्यों मेरे BT कर रहे हो बिना बात। वैसे ही ज़िंदगी में इतने L लग रखे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, दूसरा तुम BT करने लग जाओ, हो जाएगा भाई हो जाएगा, क्या करूँ मैं बताऊँ। मैं यार किसी का कंटेंट तो चुरा के नहीं डाल रहा ना, जो है मेरा है। कोई नहीं भाई, अगर होगा नया बना लूँगा, ना मन करा तो नया बन जाएगा, ना बनेगा कोई दिक्कत नहीं, अपने बंद कर देंगे ब्लॉगिंग वगैरह। मुक्त रहेगी कि भाई हाँ 20,000, हाँ भाई 20,000 पूरे हो गए अपने, ये रहेगी भाई
कि भाई हाँ 20,000 हमारे सब्सक्राइबर है, ना फेक ना कुछ। और भाई जितनी बार के जो बोला है ना कि भाई तेरे फेक है, भाई तेरे फेक है, साले वो जाके आने एक बार वो देख लो, अकाउंट पर टोटल व्यू देख लो। किसी किसी का यार ये मान लो आप सब्सक्राइबर हैं तुम्हारे 10,000-12,000, व्यू लेके बैठे लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख, भाई यहाँ करोड़न में जा रखे हैं व्यू, 1,13,00,000 कुछ व्यू है मेरे अकाउंट पर। यार ये चीज है ना, मन्ना कहा करो, बहुत बुरा लगता है कि भाई फेक है फेक है। कोई बंदा यार सोता नहीं है, मेहनत कर रहा है पूरे दिन रात, जब वो मेहनत कर रहा है और तुम्हारा ये आता है कि भाई फेक है, ऐसे है वैसे है, भाई बुरा लगता है, साफ बोल रहा हूँ। और है ना जिसे है ना बोल रहा हूँ, ऊपर बोला करो, पीठ पीछे है ना मन्ना बोले करो, ठीक है। तो यार मैं जस्ट आया हूँ अभी थाने में, था क्यों भाई एक कंप्लेंट लिखाने गए थे अभी, एक बछड़ा था छोटा सा, उसको एक हाइड्रा होती है ना जो क्रेन क्रेन कहते हैं, वैसे तो हाइड्रा भी रहती है उस, उसे एक था करीब करीब 17 साल का लड़का चला रहा था उस क्रेन को, और बछड़े के पैर पे चढ़ा दी, बछड़े की यार हड्डी तक निकल आई थी। जैसे तैसे गाँव के बहुत से बच्चे इकट्ठे हो गए, खासकर अवधेश भाई थे, अनूप भाई, बादल और अरुण वगैरह काफी बंदे आ गए थे भाई। ऑन द स्पॉट वो पकड़ा 112 पे कॉल करके, उसको पहले थाने लेके गए, उसकी वो हाइड्रा जब्त करी है, और फिर भाई मारा तो मारा गया तो नहीं है, क्योंकि भाई अगर मारते तो केस उल्टा पड़ जाता। बाकी अभी बछड़े को भेज दिया है, पहले यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जितना हमसे हो सकता था हमने किया, उसके बाद भाई वो छोड़ दिया जज्जर में, जज्जर छोड़ दिया मतलब लेके गए एम्बुलेंस में बैठा के, और अब वो जा रहा है भाई, जज्जर पहुंच गया होगा अब तो, मैं भी पहुंच गया होगा। और भाई जो इसका वो था ना ड्राइवर, सबसे पहली चीज मोमडन था, और यार जैसा हमको लग रहा है क्यों उसने रोकी नहीं है भाई, उसने जैसे चढ़ाई है ना रोकी नहीं है, चढ़ा के घिसेड़ के लेके गया 2-3 मीटर तक, इतने में ही बच्चों ने पकड़ लिया है, रोक दिया हाइड्रा उसकी। और भाई दिमाग का ना हकीकत में खराब हो गया, मन की यार जो चला रहा वो भी मोमडन, जो इसका मालिक है वो भी मोमडन। फिर भाई मालिक के पास फोन करके बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो कह रहा है कोई नहीं थाने में जब्त करा दो मैं छुड़वा लूंगा। ये भाई हरियाणा का प्रशासन है, ऐसी हमारे खट्टर जी की सरकार है। अगले भाई पुलिस वाले कह रहे कि कोई नहीं वो कर लो, आपसदारी में बात करके सलाह मशवरा करके अपने ले दे के मैटर को सोल्व करो। ये भाई हमारे यहाँ के पुलिस वाले हैं, बट हाँ अपने एक अच्छे थे जो बंदे थे भाई, उनका नाम मैं यार किसी का ऐसे डिस्क्लोज कर नहीं सकता कि भाई कौन थे, बट हाँ उन्होंने यार पूरा सपोर्ट किया, और तो और भाई सब चीज करके दिए उन्होंने, एप्लीकेशन लिखवाई हमारी कि भाई कोई लेना देना नहीं है, अपने एप्लीकेशन डालो, अगर भाई अपने उसका बछड़े का इलाज करते हैं तो कोई वो नहीं है, अदरवाइज नहीं किया। भाई रोड पे चलते हैं, चलो भाई गलती हो सकती है, मानते हैं हम गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, अगर भाई बछड़े का इलाज नहीं किया तो भाई उसकी जेसीबी भी जब्त है, और जो मालिक है वो भी जेल में है, जो ड्राइवर वो भी जेल में। मालिक यार खुला कह रहा है कि भाई आपसे जो किया जाए वो कर लो, आप थाने में देना चाहो थाने में दे लो, या जैसे करो वैसे कर लो, मैं अपने आप देख लूंगा, मैं अपने आप छुड़वा लूंगा। भाई क्या ही बंदा है ये यार, सच में तुम्हारा दया भावना की कोई चीज ना रहे, मतलब यार किसी जानवर रोड के साइड में बैठा था वो अराके उड़ा के, यार हकीकत में बहुत दुख हो रहा है कि बेचारे का लग गई इतनी लग गई हड्डी, पैर तो भाई पूरा खत्म हो गया उसका, पूरा पैर खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। जैसे तैसे यार इलाज कराया गाड़ी में डाल के उसको, अब हॉस्पिटल लेके गए हैं, पहुंच गया होगा अब तो भाई, देखते हैं जो जैसा भी रहता है। अब भाई जज्जर भेजा है, यहाँ पे गुड़गांव में तो ऐसा कोई है नहीं हॉस्पिटल वगैरह, पर हाँ जज्जर भेजा है। और मेरे को हकीकत में इनकी उस पे वो आती है कि भाई प्रशासन इनके इतना वो रहता है, वैसे ये माइनॉरिटी है और ऊपर से इतना प्रशासन रहता है इनके साथ जिसकी कोई हद नहीं, फिर ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं कि भाई ऐसे नहीं मार सकते, भाई अगला वो मार रहा है उसकी कोई वो नहीं है। अब यार ऐसे ही थोड़े टाइम पहले एक और केस हुआ था जो कि यहीं पे पुलिस चौकी के ठीक सामने हुआ था, 4 गाय गिराई थी ट्रक से जिसमें से एक बचा, बाकी सब मर गए, और फिर भी भाई वो जिंदा है, कुछ भी नहीं कहा, क्यों भाई उनकी जान नहीं है, जो मरे थे जो गाय वगैरह मरी है बछड़े वगैरह मरे हैं
उनकी जान नहीं है, खाली इंसान की जान कीमती है। अगर वो बोल नहीं सकते तो उनकी जान नहीं है। छोड़ो यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं ना गाली गुली देने लगूंगा इन्हें। हकीकत में बहुत गुस्सा आ रहा है आज का व्लॉग, भाई यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मन्ना है भाई मैं कभी, ठीक है, मिला है फिर, जय श्री राम।